ઉદ્ધવ ઠાકરેએ શરદ પવાર સાથે બેઠક કરી મુલાકાત કરી. આ મુલાકાત પૂર્ણ થઈ છે. મુંબઈમાં એનસીપીની કોર કમિટીની બેઠક, દિલ્હીમાં સોનિયા ગાંધીના નિવાસ સ્થાને પણ કોંગ્રેસની બેઠક, તો સતત આ બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે. મુંબઈમાં પણ એનસીપીની કોર કમિટીની બેઠક ચાલી છે. આ પહેલા માતોશ્રી પણ પહોંચ્યા હતા ઉદ્ધવ ઠાકરે, અને ત્યારબાદ હવે તેઓ રાજ્યપાલને મળવા પણ જશે. તો તમામ આ મંત્રણાનો દોર ચાલી રહ્યો છે કે સરકાર કેવી રીતે રચવી. તો દરેક પક્ષ પોતાની કન્ડિશન મૂકી રહ્યું છે. આ કન્ડિશન હવે તેઓને માન્ય રહેશે કે કેમ તે પણ જોવાનું રહેશે. તો દિલ્હીમાં પણ સોનિયા ગાંધીના નિવાસ સ્થાને કોંગ્રેસની બેઠક ચાલી રહી છે. કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીના જે સભ્યો છે તેમની સાથે આ બેઠક ચાલી રહી છે. તો કોંગ્રેસ એનસીપી અને શિવસેનાના ગઠબંધનને સાથ આપે તો જ આ સરકાર બનવાનો રસ્તો સાફ થશે. તો આ સાથ મળશે કે કેમ, હાથનો સાથ શિવસેનાને જરૂર છે, હાથના સાથની, અને આ હાથનો સાથ મળશે કે કેમ તે જોવાનું રહેશે. મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર રચવાની કવાયત, ભલે સૌથી મોટી પાર્ટી બીજેપી રહી હોય, પરંતુ બીજેપી સરકાર બનાવવાથી તેણે પીછેહટ કરી દીધી છે. કારણ કે શિવસેનાએ જે કન્ડિશન મૂકી હતી તેને મંજૂર ન હતી, 50-50 ફોર્મ્યુલા સરકાર માટેનો, અને તેમને મંજૂર ન હતો, અને માટે જ હવે શિવસેના એનસીપી સાથે મળી અને સરકાર રચવાની વાત, પરંતુ કોંગ્રેસ સાથ આપે છે કે કેમ તે જોવાનું રહેશે. इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे. सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से. जी सर्वेश, बताएं कि फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि हर एक जगह पर अभी बैठक चल रही है. एनसीपी अलग से बैठक कर रही है, कांग्रेस भी दिल्ली में बैठक कर रही है, लेकिन राज्यपाल से कब मिलने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, जो राज्यपाल से मिलने का जो समय है 7:30 बजे की टाइमिंग बताई गई है. अब महज 2.5 घंटे बचे हुए हैं और इन 2.5 घंटों में जो पूरा खेल है महाराष्ट्र की राजनीति का, वो पूरी तरह से साफ अभी तक क्लियर नहीं है. एनसीपी अपनी बैठक शरद पवार के नेतृत्व में लेने के लिए मुंबई के वाईवी चौहान ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन एनसीपी की पूरी नजर कांग्रेस की एक्टिविटी पे है. जिस तरह से तमाम महाराष्ट्र के नेता, शीर्ष नेता दिल्ली पहुंचे हैं सोनिया गांधी से जनपद पर मुलाकात करने के लिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कुछ एक पुख्ता जो बयान आना चाहिए कि वो समर्थन करेंगे कि नहीं एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना को, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है. तो कुल मिला जुला कर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ महाराष्ट्र के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल, सुनील कुमार शिंदे, बाला साहब थोरात, ये तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं. अब पूरी तरह से जब तक कांग्रेस के रुख पर एनसीपी की नजर टिकी हुई है और शिवसेना की नजर दोनों पार्टियों पर टिकी हुई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के तौर पर पिछले कई सालों से देश में काम करती आ रही है, उस पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के तौर पर काम करने वाली ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी क्या शिवसेना की विचारधारा को लेकर उसके साथ शामिल होगी उसको सरकार बनाने के लिए, बैक डोर से या साथ में शामिल होकर सरकार बनाने के लिए सहमति जताएगी नहीं. इस पर इसी के मद्देनजर संजय निरुपम ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट में यही इशारा किया है कि अगर गठबंधन की ये सरकार बनती है तो क्या लंबे वक्त तक चलेगी, क्योंकि 2020 में अगली बार यानी चुनाव के लिए तैयार रहो. ये बात का इशारा भी संजय निरुपम ने अपने ट्वीट में किया है. बिल्कुल, संजय निरुपम इसके पहले भी इसी तरह का ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन संजय निरुपम का जो इशारा था वो पार्टी की विचारधारा को लेकर इशारा जरूर कह सकते हैं, लेकिन जो आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग हुई ताजमहल होटल में बांद्रा इलाके में, उस मीटिंग में एक जो आपसी बातचीत जो सूत्रों से जानकारी मिल रही कि एक मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार की जो बनाने की बातचीत चल रही है, और उस मिनिमम प्रोग्राम में जो भी महाराष्ट्र की समस्याएं हैं वो समस्याएं मिलकर सुलझाने की बातचीत की डोर बांधी गई. जैसे अगर सबसे पहली समस्या महाराष्ट्र की बड़े पैमाने पे कहेंगे तो महाराष्ट्र के किसानों की समस्या है, तो तमाम इन चीजों को पहल की जा रही है. कांग्रेस पर नजर बनी हुई है, अब सारा कुछ खेल है. कांग्रेस अगर हाँ करती है तब एनसीपी दोनों का साफ कहना है कि जो भी निर्णय होगा हम दोनों साथ मिलकर करेंगे. तो कांग्रेस की मर्जी पर एनसीपी की मर्जी टिकी हुई है और दोनों की मर्जी पर शिवसेना की नजर टिकी हुई है कि आज राज्यपाल से वो
इन दोनों की सहमति लेकर मिलने पहुंचते या नहीं। सर्वेश, वही सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7:30 बजे का जो समय है वो तय किया गया है, राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे। क्या ये प्रस्ताव लेकर पहुंचेंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इनमें कांग्रेस का भी साथ मिलने वाला है, यानी 7:30 बजे तक क्या ये पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये तय हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा कि कांग्रेस उनको साथ दे रही है और सरकार बनाने जा रहे हैं, ये माना जाए? संध्या जी, मेरे ख्याल से 1 घंटे के भीतर पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब राज्यपाल का समय मांगा गया शिवसेना को समय पर पहुँच कर कुछ न कुछ जवाब जरूर देना होगा। अगर नहीं पहुँचते तो भी कुछ अनदेखी जरूर की जाएगी और उसके आगे की जो पहल होगी उसके साथ जाहिर हो जाएगी कि शिवसेना भी शायद बहुमत के साथ नहीं सरकार बना सकती, क्योंकि कुछ न कुछ तो जवाब राज्यपाल को देना ही होगा। अगर यहाँ पर भी शिवसेना फेल होती है तब आगे जाकर राज्यपाल को मजबूरन महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का जो एक अल्टीमेटम होता है वो यहाँ पर महाराष्ट्र में लगता जरूर नजर आएगा। फिलहाल अभी तक की जो सिचुएशन नहीं हुई है। जी, सर्वेश शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 7:30 वाग्यानो आज समय अने 7:30 वाग्या सुधीमां लगभग नक्की थई जशे, आ पिक्चर छे ते पण क्लियर थई जशे के महाराष्ट्रमां कोनी सरकार बने छे। મહારાષ્ટ્રમાં ચૂંટણી પરિણામ આવ્યાને 16 દિવસ જેટલો સમય વીતી ગયો, હજી સુધી સરકાર રચી શકી નથી કોઈ પણ પાર્ટી। અને મહારાષ્ટ્રમાં રવિવારે ભાજપે રાજ્યપાલ ભગતસિંહ કોશિયારીને જણાવી દીધું કે તેઓ સરકાર રચશે નહીં। બીજી બાજુ રાજ્યપાલે શિવસેનાને સરકાર રચવા માટે આમંત્રણ આપ્યું। મહારાષ્ટ્ર રાજનીતિના ભણકારા દિલ્હી સુધી જોવા મળ્યા છે। તો મહારાષ્ટ્રમાં 30 વર્ષનું જે ગઠબંધન હતું શિવસેના બીજેપીનું તે તૂટી ગયું છે। કેન્દ્રના એકમાત્ર શિવસેનાના મંત્રી અરવિંદ સાવંતે પણ રાજીનામું આપી દીધું। હવે મહારાષ્ટ્રમાં એક નવું ગઠબંધન બનવા જઈ રહ્યું છે। શિવસેનાનો મુખ્યમંત્રી હશે અને આ ગઠબંધન એનસીપી કોંગ્રેસ અને શિવસેનાનું હશે, પરંતુ કોંગ્રેસ જો હા પાડે તો આ ગઠબંધન થશે અને તેના માટે અત્યારે દિલ્હીમાં પણ મંત્રણા ચાલી રહી છે। દિલ્હીમાં જેએનયુના વિદ્યાર્થીઓનું પ્રદર્શન વધુ ઉગ્ર બન્યું।